हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक स्टूडियो। मैं हिमामुल हुसैन आज आपके लिए लाया हूँ एक नया ट्यूटोरियल। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो हमारे कंप्यूटर में अक्सर एक प्रॉब्लम आ जाता है स्टार्टअप के समय। जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से बूट मेन्यू आ जाता है, और जब उसको सेव एंड एग्जिट मारते हैं तो टर्न ऑफ पावर एंड रीइंस्टॉल द जम्पर इन नॉर्मल मोड पोजिशन, ऐसा लिखा आता है। अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस तरह का प्रॉब्लम शो करता है तो आपको सिंपली पहले अपने सीपीयू को बटन से ऑफ करना है। अगर एक बार प्रेस करने पर ऑफ ना हो तो थोड़ी देर प्रेस करके रखिए, वो फोर्स शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने यूपीएस का स्विच को ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद जब पूरी तरह से यूपीएस से पावर सप्लाई कट जाए, उसके बाद आपको अपने सीपीयू का कवर हटा लेना है। फिर मदरबोर्ड पर देखिए कि जहाँ सट्टा केबल कनेक्ट होता है उसी के आसपास आपको एक जम्पर दिखेगा। मदरबोर्ड के मॉडल के हिसाब से जंपर का पोजीशन अलग अलग हो सकता है। उसके बाद आपको इस जंपर को अपने उंगली से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे कि ये बाहर निकल आएगा। देखिए जंपर ऐसा होता है। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा तीन पिन है, एक दो और ये तीन पिन। पहले इन दोनों पे लगा हुआ था, एक और दो पे। अब आपको जंपर को क्या करना है, दो और तीन नंबर वाले पिन पे एक साथ कनेक्ट कर देना है। सिंपली उस पिन को लीजिए जंपर को और उन दोनों पे कनेक्ट कर दीजिए। जो पहले था उस पर नहीं करना है, दूसरे वाले पे करना है। अगर एक दो पे था तो दो तीन पे करना है इस बार, ठीक है। फिर अपने यूपीएस से पावर सप्लाई को ऑन कर लेना है। उसके बाद अपने सीपीयू के पावर को ऑन करना है। फिर जब आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होगा तो इस तरह का एक इरोर शो कर सकता है। यह इरोर बैटरी के वजह से आता है, जो अंदर एक बटन के जैसे बैटरी लगी होती है, सीमोस बैटरी, उसके कारण होता है। तो आप सिंपली उस बैटरी को रिप्लेस कर देंगे तो ये इरोर शो नहीं करेगा। फिर आप थोड़ी देर वेट कीजिए। वेट करने के बाद कंप्यूटर खुद से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा समय लेगा इसमें, लेकिन आपका कंप्यूटर धीरे धीरे फिर से बूट होना शुरू हो जाएगा। और इस बार आपको कुछ नहीं करना है, बस कंप्यूटर को छोड़ देना है। आप थोड़ी देर वेट करते रहिए। ये इरोर आने के बाद कंप्यूटर को थोड़ा समय लग सकता है रीस्टार्ट होने में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्यूटर को आप स्टार्ट होने का समय दीजिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, और दो तीन बार ऐसा ब्लिंक हो सकता है क्योंकि आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ले रहा था। तो रीस्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम लेगा। मैं वीडियो को कट कर सकता था, बट मैंने कट इसलिए नहीं किया ताकि आप लाइव देख सकें कि किस तरह से ये रीस्टार्ट हो रहा है, और थोड़ा जो समय लगता है वो भी आप देख सकें। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, वेलकम स्क्रीन आ चुका है। और फर्स्ट टाइम है इसलिए ये वेलकम स्क्रीन में भी थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, लेकिन धीरे धीरे ये वापस अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएगा। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा से ऑन ऑफ कीजिए, आपका कंप्यूटर दोबारा से पहले की तरह चलने लगेगा। और ये देखिए मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको रीस्टार्ट करूँ तो भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा और वापस से पहले की तरह चलेगा। यदि आपके सीपीयू में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से अपने सीपीयू को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।